बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल M&M फन फैक्ट्री। और आज हम बना रहे हैं करेले कीमा, जो कि एक सिंपल सी डिश होती है, वही बनाएंगे हम लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून जो है ये ऑयल है, मैंने अभी ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि हम करेले जिस ऑयल में फ्राई करेंगे उसी ऑयल को हम थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल भी करेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा लिया है ताकि हमारा मसाला बन जाए। तो ये मैंने लिया है अनियन, एक बड़े 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये डालूंगी मैं इसके अंदर और हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा सौता करेंगे और फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके बाद इसके अंदर डालेंगे। अनियन को हमने सौता होने के लिए रख दिया है, तो तब तक मैंने कहा करेले काट लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से टॉप एंड बॉटम काट लिया, हल्का हल्का सा हम इसको छील लेंगे। इस तरह से इसी तरह जो है हम कंप्लीट करेंगे चारों तरफ से इसको, ये जो खुरदरापन है इसका ये ख़त्म कर देंगे बस, लेकिन हल्का हल्का करना है हमें। हमारी ये अनियन जो है सौते हो रही है, साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन जो कि 1 टेबल स्पून है, और साथ ही मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी, ये 1 टीस्पून है। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से इसको यहाँ फ्राई कर लेंगे और इसको इस तरह भून लेंगे। दोनों चीज़ें जो है हमारी भुन जाएंगी तो फिर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये हम प्याज और प्याज भी भुन चुकी है, लहसुन और ज़ीरा भी इसमें अच्छे से भुन चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। नॉर्मल हमारे पास चिली पाउडर है, ये है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी, 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, कुटा हुआ धनिया मेरे पास ये 1 टीस्पून है। इसको हल्का सा भून के फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, ये 1 मीडियम साइज बड़े साइज का एक टमाटर था ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसमें थोड़ा सा साफ पानी ऐड कर दूंगी मैं, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, ज़्यादा नहीं किया ताकि हमारा जो ये टमाटर है ये गल जाए अच्छे से, और फिर हम इसको भून लेंगे। मैंने इसको कवर कर दिया, हम अपने टमाटर के गलने का वेट कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, तो इसको पानी खुश करके और इसका मसाला हम भून लेते हैं। मसाले में अच्छे सा ऑयल आ चुका है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये मेरा कीमा है। तो ये कीमा जो है 750 ग्राम है, यानी 3 पाव। इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे हम, तो कीमा मैंने इसको भून लिया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी जो कि है मेरे पास यहाँ पे, मैं 1 कप मैंने डाल दिया, तकरीबन 1 कप मैं और इसके अंदर ऐड करूँगी और हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने कवर करके रख दिया है और कीमा गलाते हैं और अब तब तक हम करते हैं अपने करेले का काम। मैंने करेलों को ऊपर से ऐसे छीला था, मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से बीच में से 2 करके काट लिया और इतना मोटा स्लाइस मैंने इसका काटा है। तो ये हमने इसको कर लिया है, मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल, ऑयल का मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, इतना लिया कि हमारे जो अच्छे ये करेले हैं फ्राई हो जाएँ। ये करेले 500 ग्राम हैं यानी आधा किलो हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अब हम इसको करेलों को फ्राई कर देंगे। करेलों को इस तरह ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि इक्वली जो है वो हमारे सारे फ्राई हो जाएं इजीली। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं और मैंने ये करेलों को काट कर कोई भी नमक लगा कर उसको मल कर उसका पानी नहीं निकाला, सिंपली बस जैसे सब्जी कटती है वैसे काट कर और मैंने इसके अंदर फ्राई कर रही हूँ। और इस फ्राई करने में भी मैंने कोई नमक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे करेले का कड़वापन कम हो,
सिंपली बस ऑयल है और ऑयल के अंदर मैं इसको जस्ट फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये इसी से ही बस बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं होंगे, नॉर्मल जैसे करेले का जो टेस्ट है बस वही रहेगा। कीमा गल चुका है और अब मैं इसका जो ये पानी है ये मैं इसको ड्राई कर रही हूँ, मैंने आँच तेज़ कर दी है और इसका पानी खुश कर रही हूँ। यहाँ पर करेले का जो है कलर आ रहा है, लाइट लाइट सा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा और कलर आ जाएगा तो मैं इसको फौरन उतार लूँगी। तो ये देखिए इस तरह का जब कलर आ गया तो मैंने इसको उतार लिया है और सारे मैंने निकाल लिए। इसका जो ऑयल है वो हम अपने कीमे में डालेंगे, मैंने कीमे में ऑयल जो है वो सिर्फ 3 टेबल स्पून डाला हुआ था ताकि इसका मसाला हमारा भुन जाए और प्याज वगैरह भुन जाए, तो इसलिए। तो अब जो ये वाला ऑयल है वो हम उसके अंदर डाल देंगे, लेकिन पहले हम अपना उसका पानी खुश कर लें कीमे का, उसके बाद हम उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ये पानी ड्राई हो चुका है, अब इसके अंदर मैं ये कढ़ाई वाला जो ऑयल है वो डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे अपने कीमे को। यहाँ पर कीमा मैंने अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भूना है। अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ, दही है मेरे पास यहाँ पे 4 टेबल स्पून है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब दही के साथ इसको अच्छे से हम भून लेंगे कीमे को। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक करेले क्यों नहीं डाले, क्योंकि मैंने करेलों को फ्राई कर लिया ऑलरेडी, इतने वो गल चुके हैं तो इसलिए मैंने करेले अभी तक नहीं डाले थे। ये मैंने दही अच्छे से इसके अंदर भून लिया है, ठीक है। 1 मिनट तक मैं और भूनूंगी इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ताकि दही का कच्चापन भी नहीं आए और अच्छे से हमारा जो दही है वो कीमे के साथ पक जाए। अभी तक मैंने आँच जो है वो तेज़ रखी हुई थी भुनाई की वजह से, अब मैं हल्की कर रही हूँ और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हमारे करेले जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। दो से तीन हरी मिर्चें जो है मैंने ये डालनी, यहाँ पे हरी और मैंने रेड जो है वो मिक्स है मेरे पास, अगर आपके पास रेड वाली ना हो तो आप हरी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला है ये मेरे पास 1/2 टीस्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च वगैरह जो भी इसमें चेक करना है वो कर सकती हैं। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और तकरीबन थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी दम पे। हमारे कीमा करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, हम इसको अब डिश में निकालते हैं। तो ये यमी सा तैयार हो चुका है हमारा करेला कीमा। जो लोग करेले नहीं खाते वो लोग भी खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये इंशाल्लाह पसंद आएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आप लोगों को फिर कुछ शेयर करूँगी अच्छा सा। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।